हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल. फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये लड्डू गोपाल जी का एक एकदम ब्यूटीफुल और क्यूट सा ड्रेस बनाना बताऊंगी. देखिए, इसमें छोटे छोटे बीड्स लगे हुए हैं और पिंक और वाइट का कॉम्बिनेशन है. आप इसको किसी भी साइज में किसी भी कलर कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं. आइए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं. देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे 3 नंबर के ठाकुर जी का, 3 और 4 नंबर के ठाकुर जी का ड्रेस मैंने बना लिया है. चोली और घेरा का हर साइज़ को बनाना मेरे चैनल पर बताया गया है. फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर जाके आपके लड्डू गोपाल जिस साइज़ के हैं, आपको जिस साइज़ का बनाना उस साइज़ का आप चोली और घेरा बना लीजिए. इसके बाद आइए अब हम इसका आगे का काम शुरू करते हैं. देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इस तरह से एक लूप बना लूँगी. देखिए इस तरह से लूप बना के आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इस तरह से क्रोशिया डाला. फर्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया बनाया और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चेन बनाएंगे. और फिर देखिए, जहाँ पे मैंने सिंगल क्रोशिया बनाया, सेम स्पेस पे मैं एक सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी. तो ये मेरा इस तरह से लूप बन के आएगा. अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं 1 2 3 4 5 6 चेन बनाया. फ्रेंड्स, 6 चेन बनाने के बाद यहाँ पे मैंने यहाँ से चेन बनाना शुरू किया. तो यहाँ से 1 2 3 4 5 चेन को स्किप करके छठे चेन में मैं इस तरह से क्रोशिया डाल के एक सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी. इसके बाद फिर मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन बनाया. अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं फिर सेम स्पेस में डाल के मैं एक सिंगल क्रोशिया बना लूँगी. तो ये मेरा 8 चेन का एक लूप बन गया. अब यहाँ से फिर मैं 1 2 3 4 5 6 चेन बन गया. अब 6 चेन बनाने के बाद देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 पांच चेन स्किप करके छठे चेन में मैं इस तरह से क्रोशिया डाल के सिंगल क्रोशिया बना लूँगी. देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से मेरा बन के आएगा. ये मेरा इस तरह से लूप बन के आएगा, 6 चेन और बीच में 8 का लूप. फिर यहाँ पे 6 चेन लिया, 5 चेन को स्किप किया और 6 चेन बना के, और यहाँ पे मैं फिर 8 चेन का एक लूप बनाऊंगी. फिर यहाँ पे 6 चेन लेके 5 चेन स्किप करके छठे चेन में मैं 8 लूप बनाऊंगी. इस तरह से इस पूरे रो को कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ. देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ पे देखिए दो यहाँ बना और 2 मैंने इस दोनों साइड में 4 लूप बना लिया है. अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने स्लिप स्टिच से जोड़ दिया है. देखिए फ्रेंड्स, ये जो लूप है, इसमें मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी. इसमें मैं 8 डबल क्रोशिया बनाऊंगी. देखिए 1 2 3 4 5 छः, 7 8. देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा 8 डबल क्रोशिया बन गया. अब यहाँ पे मैं 1 चेन बनाऊँगी. देखिए फ्रेंड्स, 8 डबल क्रोशिया और 1 चेन बनाने के बाद, अगर आपके ये मैंने देखिए छोटा छोटा बीड्स लिया है, एकदम छोटा छोटा बीड्स लिया है, तो इसमें तो ये क्रोशिया है तो 9 नंबर का क्रोशिया है, तो ये नहीं जाएगा. तो अगर आपके पास एकदम पतला क्रोशिया है, तो इस क्रोशिया को में इस एकदम पतला क्रोशिया है तो उस क्रोशिया में बीड्स डाल के और इस धागे में आपको डाल देना है. लेकिन मेरे पास उतना पतला क्रोशिया नहीं था, तो मैंने एक छोटा सा वायर ले लिया है. इस तरह से मैं इसमें बीड्स डाल दूंगी. देखिए, वायर निकाल दिया. अब मैं इस तरह से
एक चेन बनाऊंगी, पहले ये दूसरा चेन मेरा हो गया, एक चेन और बनाऊंगी, अब फिर मैं इसमें 8 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 8 डबल क्रोशिया बना लिया। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने 5 चेन स्किप किया था, देखिए यहाँ पे मैंने 5 चेन स्किप किया था, इसमें देखिए यहाँ पे एक दो दो चेन छोड़ के तीसरे चेन में मैं इस तरह से क्रोशिया डाल के सिंगल क्रोशिया बना दूंगी। अब देखिए, अब यहाँ से यहीं से मैं इस चेन में क्रोशिया डाल के 8 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। एक दो, ये 8 डबल क्रोशिया बना के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा 8 डबल क्रोशिया बन गया। अब इसमें मैं एक चेन लेके फिर इसमें मैं वायर की मदद से एक बीड्स डालूंगी। इस तरह से बीड्स डाल के इस चेन को बना दूंगी और एक और चेन बनाऊंगी, फिर मैं 8 डबल क्रोशिया बनाऊंगी इस साइड। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से 8 डबल क्रोशिया बना के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये मेरा दो लीफ बन गया। अब फिर मैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक दो दो चेन को स्किप करके तीसरे चेन में मैं इस तरह से क्रोशिया डाल के सिंगल क्रोशिया बना दूंगी और फिर यहाँ से मैं इस लूप में फिर 8 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, फिर मैंने 8 बना लिया है डबल क्रोशिया, एक चेन बना के इसमें मैं बीड्स लगा के इसी तरह, देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह इस रो को मैं पूरा बना के कंप्लीट कर लूँगी। और फिर देखिए, ये मैंने यहाँ बनाया है, अब फिर मैं यहाँ बनाऊँगी सेकेंड रो में, इस बीच में हर थर्ड, देखिए जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट रो में बनाया, सेकेंड रो में फिर बनाऊँगी, थर्ड रो में बनाऊँगी, फोर्थ रो में बनाऊँगी। तो ये मेरा आधा कंप्लीट हो गया है। इस पांचों में सब में मैं बना के बीड्स लगा के और इसमें मैं सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी, सॉरी हाफ डबल। देखिए, इस चोली को मैं हाफ डबल क्रोशिया यहाँ से यहाँ तक बनाऊंगी, बना के मैं आपको ये पांच रो कंप्लीट करके इसी तरह से मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा पाँचों रो बन के कम्प्लीट हो गया है। ये मैंने देखिए दो चार रो मैंने बना लिया है, क्योंकि चार रो में ही मेरा ठीक लग रहा था। अगर आप इससे बड़ा बनाएंगे तो उसमें 5-6 रो बना सकते हैं, छोटा बनाएंगे तो 2-3 रो में हो जाएगा। ये देखिए, मैंने चार रो बना लिया है और देखिए दो रो मैंने वाइट से बनाया है, दो रो पिंक से बनाया है और यहाँ पे मैंने हाफ डबल क्रोशिया से इस चोली को इस तरह से आउटलाइन कर दिया है। आप चाहे तो यहाँ भी कर सकते हैं या फिर आप हाफ डबल क्रोशिया से यहाँ तक में भगवान के नाम से बाजू भी बना सकते हैं। ये देखिए, मेरा बन के कम्प्लीट हो गया है, बहुत सुंदर लगता है देखने में। ये न्यू ईयर स्पेशल है, बहुत अच्छा लगा न्यू ईयर वाले दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।